हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आज की इस नए वीडियो में तो फ्रेंड्स आपके भी फ़ोन में अगर इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमारे मोबाइल की सिम कार्ड यहाँ पे शो नहीं आ रहा है और यहाँ पे नो सिम कार्ड इमरजेंसी कॉल्स अनली इसी तरह का प्रॉब्लम दिखा रहा है तो अगर आपके भी मोबाइल में इसी तरीके का प्रॉब्लम दिखा रहा है तो इसे कैसे सॉल्व कर देना है यानी कि आपकी सिम कार्ड को इनेबल कैसे कर देना है आज की इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अभी तक तो लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा तो फ्रेंड्स इसके लिए आपने फ़ोन को सबसे पहले रिस्टार्ट करना है रिस्टार्ट करने के लिए आपको अपने पावर बटन को ऐसे प्रेस करके रख देना है और यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा पावर ऑफ़ और री स्टार्ट आपको इस रिस्टार्ट पे क्लिक करके अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना है तो इससे भी आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम अभी आपको और एक सेटिंग्स दिखा रहा है इसको आपको कर लेना है इसके लिए अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है नहीं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे भी मिल सकता है और मिडिल पे भी ये वाला ऑप्शन मिल सकता था 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 है मोबाइल नेटवर्क तो आपको क्या करना है सिंपली मोबाइल नेटवर्क इसी ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इसके बाद में अपने फ़ोन में एक दो सिम जो जितना सिम है वो यहाँ पर सो हो जाएगा तो हमारी जियो सिम यहाँ पर देख सकते हो इक्टिव लिखा आ रहा है और ये सेकेंड वाला जो सिम है ये भी इनेक्टिव लिखा आ रहा है तो आपको क्या करना है ये अपनी सिम कार्ड पे ऐसे क्लिक कर देना है और इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स ये सिम कार्ड ऑफ यहाँ पे करके कर रखा है तो आपको क्या करना है इसी को ऑन कर देना है ऑन करने के लिए आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है और ये सिम ऑन हो जाएगा और इसके बाद में ऊपर में देख सकते हो फ्रेंड्स इसी सिम इनेबल हो गया और यहाँ पर नेटवर्क बोल्ट सब कुछ आ गया है तो इसी तरीके से आपको भी इसी सेटिंग्स को अप्लाई कर देना है और अपने मोबाइल फ़ोन को भी रिस्टार्ट कर देना है फिर से और इसके बाद में आपके प्रॉब्लम उम्मीद करता हूँ सॉल्व हो जाएगा तो इसी तरीके से अपनी सिम कार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बाय